गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 5,000 से ज्यादा अफराद ने रजाकाराना खिदमात की पेशकश की है। कोरोना से बचाव के लिए शहरी घर में रहें। चंद रोज में मजीद टेली मेडिसिन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। कोरोना वार्ड में ड्यूटी देने वाले डॉक्टर स्टाफ पर फख्र है। वसाइल के मुताबिक कोरोना के मुतासरीन को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तारीख में ऐसा मुश्किल वक्त कौम पर कभी भी नहीं आया है। मजीद उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। हम इसके जो मुखय्यर आवाम हैं इंशाल्लाह हम आपको किसी सूरत भी लेट डाउन जो है वो नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ अंसर साहब और हमारे यंग डॉक्टर यहाँ पर जो मौजूद हैं उन्होंने सारे पंजाब में हमारे साथ इकट्ठे मिलके काम जो है वो कर रहे हैं और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह हम इस मुश्किल वक्त से ज़रूर हम जो है वो गेट थ्रू जो है वो करेंगे। और मैं एक ये भी बात कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है कि ट्रेनिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है। इसीलिए हम सब जो जितने भी टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन खुल रहे हैं तो मैं सबसे कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है उनसे अपनी पूरी जो है वो हदायत लें और उसके साथ सेम प्रोटोकॉल सारे के सारे डॉक्टर्स और हमारे कंसल्टेंट जो हैं सेम प्रोटोकॉल जो हैं वो फॉलो करें। और दूसरा ये है कि 24/7 हमारी जो सर्विस है वो 24/7 है। एक तो हमने इसके लिए नेशनल नंबर दे दिया है जो कि मैंने पहले अर्ज किया है 0304-111-2101 और उसके अलावा तमाम जितने भी हमारे टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन खुले हैं उनमें लोकल नंबर भी मौजूद हैं और अपने लोकल नंबर पे भी वो फोन कर सकते हैं और नेशनल नंबर पे भी फोन जो है वो कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम डॉक्टर्स के साथ अपना तआवुन जो है वो पूरा भरपूर तरीके से जारी रखेंगे और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये जो मर्ज है ये बड़ी खतरनाक मर्ज है इसमें कोई शक नहीं है। तो डॉक्टर की जो हदायात हैं उन पर अमल करना चाहिए और मैं अपने लोगों को बार बार ये अपील करता हूं और आप भी डॉक्टर्स की अपील वो बेहतर तरीके से सुनते हैं। मैं समझता हूं कि डॉक्टर्स के जरिए भी एक मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर मासेस को जाना चाहिए कि इस बीमारी का कई जो जंगें होती हैं तो उस वक्त आप शोल्डर टू शोल्डर मिलकर एक चट्टान की तरह लोगों का मुकाबला करते हैं लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसका मुकाबला घरों में बैठकर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो इसलिए आप लोग जो हैं जब आपको टेली मेडिसिन सेंटर पर भी फोन करते हैं या आपके मरीज जो हैं इनको बार बार बताएं कि भाई अपने घरों में रहें अपना हाथ जो है उसको बार बार धोएं। और एक चीज बने आपको आज